हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है वॉलचेजर मशीन पर। बेसिकली ये मशीन काम में आती है दीवारों में झिरी काटने के लिए, जिसको हम लोग स्लॉटिंग या फिर ग्रूविंग भी बोलते हैं। इस मशीन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है वॉल्स कंपनी की वॉलचेजर मशीन, जिसका मॉडल नंबर है 133। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या आता है इस बॉक्स के साथ में। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाती है एक यूजर गाइड, जिसमें बताया गया है कि मशीन को कैसे यूज करना है। इसको हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद फिर यहां पर हमको मिल जाते हैं कुछ स्पैनर्स, फिर इसके अंदर है कुछ वॉशर्स और कुछ एसेसरीज, और फिर यह है फाइनली हमारी वॉल चेजर मशीन। फिर मिल जाते हैं एक्स्ट्रा कार्बन ब्रशेस और वाटर पाइप, साथ में आपको मिलती है 5 ब्लेड और वाटर पंप। इस वाटर पंप को कैसे यूज करते हैं, कैसे ब्लेड पे पानी जाता है, सब कुछ आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। और वॉल चेजर मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको यहां पर मिल जाता है एक बहुत अच्छा कैरी केस। हम लोग कटर या फिर ग्राइंडर में सिंगल ब्लेड लगाकर झिरी काटते हैं, उन मशीनों का वॉट होता है 600 से लेकर 900 तक। हमारी इस मशीन का पावर है 5500 वॉट, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल मशीन है। इस मशीन में आपको 5000 आरपीएम की स्पीड मिल जाती है, और आपको यहां पर मिल जाता है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर, जिसकी लंबाई है 9.5 फिट। इस मशीन में आपको मिल जाती है पूरे 6 महीने की वारंटी। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका MRP है 27,990 रुपये, मगर ये मुझे ऑफर प्राइस में मिली है 14,800 रुपये में। तो चलिए अब हम कर लेते हैं हमारी इस मशीन का वेट। तो हमारी इस मशीन का वेट है लगभग कुछ 6 किलो 350 ग्राम। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी पावरफुल मशीन है। हम मशीन के फंक्शन समझना फ्रंट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। यह है इसका प्रोटेक्टिव कवर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डस्ट कवर। यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिल जाती हैं, एक तो आपको मिलता है रबर कैप और दूसरा मिलता है देखने को आपको विंग नट। रबर कैप ऊपर से खुल जाता है और फिर हम यहां लगा सकते हैं वैक्यूम क्लीनर। बट जो हम इंडियंस हैं, हम वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर का। उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यहां पर देके रखे हैं विंग नट। यदि आप फर्स्ट वाले विंग नट को लूज करेंगे, लूज करने के बाद आप इस डस्ट कवर को ओपन कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये रहता है ब्लेड लगाने के लिए। चलिए अब हम लगा लेते हैं इसमें ब्लेड। सबसे पहले यहां पर देके रखा है एक छोटा सा सेफ्टी कवर, इसको हमें ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको दिख जाता है एलन की का पोर्शन, और फिर यहां पर हमको मिल जाता है फ्लेंज नट। फ्लेंज नट में हम लोग यहां पर लगाएंगे स्पैनर, और एलन की को हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। यह हमारा बोल्ट बाहर आ चुका है, और यह है हमारा फ्लेंज नट। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ग्रूव बना हुआ है और ये सारे वॉशर हैं। पहले जरा मैं आपको वॉशर निकाल के दिखाता हूं। ऐसे आपको पूरे 6 वॉशर मिलते हैं। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, कितने मोटे वॉशर हैं। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये लगता है ग्रूव के अंदर। इन 6 वॉशर के अलावा यहां पर आपको एक और वॉशर मिलता है, ये ब्लैक कलर का। इसको आपको नहीं निकालना है, ये हमेशा इसके अंदर ही रहेगा। इस मशीन के साथ में हमको 5 ब्लेड मिली है, मगर आप इसके अंदर 6 ब्लेड लगा सकते हैं। तो ब्लेड लगाने के लिए पहले हम लगाएंगे वॉशर, फिर डालेंगे ब्लेड, फिर एक वॉशर, फिर एक ब्लेड। ऐसे करके हम लगाएंगे पूरी 5 ब्लेड। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीजें आपसे छूट जाएंगी। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। अब हम यहां पर लगा देंगे फ्लेंज नट और इस बोल्ट को ऊपर से टाइट कर देंगे। तो अभी हमने इसके अंदर लगाई है 5 ब्लेड।
पांच ब्लेड लगाने पे आप कितना काट सकते हैं, जरा मैं आपको कैलिपर टूल की मदद से बताता हूं। पांच ब्लेड लगाने पर आप कुछ 28 mm तक काट सकते हैं। इस मशीन की झिरी काटने की चौड़ाई 40 mm है। उसमें ब्लेड लगाने का तरीका अलग है, वो मैं आपको बताता हूं। जब आपको 40 mm या फिर मैं कहूं 1.25 inch की झिरी काटना हो, तब आपको एक कवर बाहर निकालना होगा ताकि आप आराम से ब्लेड लगा सकें। आप इस मशीन में 2 से लेकर 6 ब्लेड लगा सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। अभी हम ये वाला वॉशर हटा देंगे क्योंकि हमें 40 mm चौड़ाई में झिरी काटना है। हम डायरेक्टली यहां से ब्लेड लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं यहां पर आपको 2 ब्लेड लगाकर बताऊंगा। अभी यहां पर मैंने 1 ब्लेड लगा दी है। अब मैं यहां पर वॉशर लगाना स्टार्ट करूंगा। हमको मशीन के साथ में 3 वॉशर आए थे, तो ये जो 2 वॉशर हैं ये हम यहाँ लगा देंगे, ये देखिए। इसके बाद ये जो हमारा वाला लास्ट वॉशर है 6वां, इसको भी हम लगा देंगे यहाँ पर, ये देखिए। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ब्लेड। इसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं फ्लैंज नट। तो यहाँ पर अभी हमने 2 ब्लेड लगाई हैं, इससे भी आप झिरी काट सकते हैं, मगर इसके बाद क्या हुआ कि आपको रोटरी हैमर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास 6 ब्लेड नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ब्लेड लगाई हैं, ताकि जरा मैं आपको इसका विड्थ दिखा सकूं कि ये कितनी झिरी काट सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इस मशीन से आप पूरे 40 mm तक की झिरी काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताए ब्लेड लगाने के 2 तरीके। अब हम वापस से 5 ब्लेड फिट कर लेते हैं और लेते हैं मशीन का डेमोंस्ट्रेशन। तो अब मैं जरा आपको ये मशीन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि इसका जो पावर है वो 5500 वाट का है, बहुत हाई पावर मशीन है, इसलिए एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाती है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका RPM 0 से स्टार्ट होता है, फिर इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। ये मशीन धीरे से लेकर तेज स्टार्ट होती है ताकि आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकें। गाइस, इस मशीन में बहुत सारे फंक्शन हैं। अभी तो हमने इसके सिर्फ 40-50% फंक्शन ही देखे हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए समझते हैं इसके आगे के और फंक्शंस। इस मशीन से आप 42 mm तक की गहराई की झिरी काट सकते हैं, मतलब इस मशीन का जो डेप्थ है वो है 42 mm का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नट, इसको जरा हम ढीला करेंगे। इसको ढीला करने के बाद आप ये बेस प्लेट को नीचे कर सकते हैं, ये देखिए बेस प्लेट नीचे हो चुकी है। अब ये कांटे की पूरी 42 mm तक की गहराई में झिरी, ये देखिए पूरा 42 mm आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 पाइप हैं, 1 inch, 1.25 inch और ये 1.5 inch का। अब सपोज आपको 1 inch का पाइप लगाना है, तो देखिए मैंने बेस प्लेट ऊपर कर दिए, ये मैं रखा 1 inch का पाइप, ठीक है। तो अब आपको जितना काटना है उतना अब आप बेस प्लेट नीचे लेके आते जाएंगे और आपकी कटिंग होती जाएगी। सपोज मुझे 1 inch का पाइप लगाना है, तो मैं बेस प्लेट नीचे लेके आया और मेरा परफेक्ट 1 inch का पाइप लग चुका है। अब मुझे इसमें 1.25 inch का पाइप लगाना है, तो मैं बेस प्लेट को बिल्कुल नीचे कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 1.25 inch का पाइप लग गया है। अब मुझे यहाँ पे 1.5 inch का पाइप लगाना है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 inch का पाइप रखा है, तो 1.5 inch का पाइप भी आपका कट टू कट बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं या फिर प्लम्बर भाई हैं, जो भी कोई घर के काम होते हैं उसमें अधिकतर 1.25 inch का पाइप लगता है, और ये मशीन 1.25 inch के लिए बिल्कुल एकदम बेस्ट है। वैसे तो आप 1.5 inch का पाइप भी इसमें लगा सकते हैं। ये जो हमारा वाटर अटैचमेंट है ये इस बेस प्लेट में फिट होता है, और इसको फिट करने के लिए यहाँ पर देके रखा है एक स्क्रू। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3 पाइप,
ये तीन पाइप यहाँ पे जो तीन होल देके रखे हैं इसमें लग जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से हम इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। ये देखिए ये तीन पाइप यहाँ से आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से हमारा निकलेगा पानी। इसके बाद में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे रहते हैं मशीन के बेयरिंग्स। इस प्रकार से हमारा ये पूरा फ्रंट पोर्शन कवर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यह है इसका फ्रंट हैंडल। इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यह है इसका नॉब। यदि आप इसको लूज करेंगे तब फिर आप इस हैंडल को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए बड़े आराम से आगे पीछे हो जाता है। आपको जिस भी पोजिशन में रखना है उस पोजिशन पर रख के आप इसको टाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है लेज़र लाइट, उसका बटन यहाँ पर दे के रखा है। ये देखिए ये हमारी लेज़र लाइट ऑन हो गई। तो ये देखिए ये दिख रही है हमारी लेज़र लाइट। इस लेज़र लाइट की मदद से हम बिल्कुल सीधी झिरी काट सकते हैं। लेज़र लाइट की बैटरी इस हैंडल के अंदर ही होती है, उसके लिए हमको ये चार स्क्रू खोलना पड़ते हैं। यह है हमारी लेज़र लाइट और यहाँ पे लगती है ट्रिपल ए की दो बैटरीज। जब आपकी लेज़र लाइट धीमी पड़ जाए तब आप बड़े आराम से बैटरी चेंज कर सकते हैं। चलिए जरा मैं वापस से इसको लगा देता हूँ। इसके बाद में आप इस पूरे हैंडल को निकाल भी सकते हैं। यहाँ से आप नॉब ढीला करिए और ये देखिए यह है इसका बेसिकली बोल्ट जो इसमें लगा रहता है और ये रहा इसका हैंडल। सब कुछ बताऊंगा इस मशीन के बारे में, इसका आपको प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा। ये हो गया हमारा मशीन का बॉडी, मतलब इस मशीन का चेसिस, और ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका कार्बन ब्रश कंपार्टमेंट। यहाँ पे है ऐसा कार्बन ब्रश। आप कार्बन ब्रश बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। कार्बन ब्रश कैसे चेंज करते हैं मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो अभी हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं आगे। इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये एक बटन है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी बटन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हैंडल रोटेशन बटन। इस बटन को दबा के आप इसके हैंडल को मोड़ सकते हैं और जैसे आपको सुविधा लगे या फिर आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस पोजिशन में आप इस हैंडल को रख सकते हैं। और फिर यह है मशीन का ट्रिगर और यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉक ऑन स्विच। तो यह है हमारी मोटर, इसके साथ में जो ये पाइप आया था, सबसे पहले जरा हम इसको इसमें फिट कर लेंगे। यहाँ पे हमने पाइप फिट कर दिया है, अब हम इस मोटर को इस पानी के अंदर डाल देंगे। इसके बाद ये जो इसका दूसरा छोर है इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं अपने वाटर अटैचमेंट में। ये देखिए मैंने फिट कर दिया। यहाँ पर देखे रखा है इसका ऑन ऑफ का स्विच, जरा मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पानी कैसा ब्लेड पर आ रहा है। इससे फायदा यह होता है कि हमारा डस्ट नहीं उड़ता है। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि मशीन में आपको 15 एम्पेयर का सॉकेट ही यूज करना है, अदरवाइज ये मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए अब हम ले लेते हैं हमारी इस मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन। अभी हमने झिरी हॉरिजॉन्टल काटी है। अगर आपको वर्टिकल झिरी काटना हो तो मशीन को नीचे से ऊपर की तरफ ना चलाएं, नहीं तो मशीन में पानी जाएगा। सही तरीका है मशीन को ऊपर से नीचे की तरफ चलाना। अभी मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है। मेक श्योर आप हमेशा इस मशीन को प्रॉपर पानी के साथ ही चलाएं ताकि डस्ट ना उड़े। तो आपने देखा फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर कितनी परफेक्ट झिरी कटी है और इसमें मैं 1 इंच का पाइप लगा रहा हूँ। ये बड़े आराम से हमारा 1 इंच का पाइप इसमें लग चुका है। इस मशीन से बिल्कुल चुटकी बजाते ही कटाई होती है। ये जो मेरा पाइप है ये मैं 2 फिट का लाया था और 2 फिट की कटिंग करने में मेरे को कुछ लगे थे शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट।
इसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 फिट की कटाई करी थी, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा यहाँ पर पाइप फिट होता है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये मशीन बहुत बढ़िया है, इसके अंदर कटाई एक बार में होती है। इस मशीन से कटाई करने के बाद आपको हैमर ड्रिल मशीन या फिर छेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार की कटाई में आपकी झीरी बिल्कुल परफेक्ट कट जाती है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी बढ़िया मशीन है ये, इस मशीन का स्ट्रांग और स्टेबल पावर है, इससे आपका टाइम और लेबर दोनों सेव होता है। और सबसे बढ़िया बात, इस मशीन से ग्रूविंग वन टाइम में होती है। ये मशीन पूरा पैसा वसूल है, इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन पर ऑफर घटते और बढ़ते रहते हैं, तो ये मशीन आपको ऑनलाइन में मिलेगी कुछ 14,500 से लेकर 16,000 के बीच में। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।